नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 50% कर सकती है मोदी सरकार। लोकसभा चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। खबर है कि गुरुवार शाम होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। इसका लाभ 48.67 लाख केंद्रीय कर्मियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया गया था। परिवार सहित मुकेश अंबानी पहुंचे गोटेगांव, द्वारिकाधीश के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी का जन्मदिन उनके चाहने वाले लोग जोर शोर से मना रहे हैं। वहीं रिलायंस समूह द्वारा अपने ग्राहकों को तोहफे भी दे रहा है। वहीं मुकेश अंबानी भी अपने जन्मदिन को यादगार बनाने भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुकेश अंबानी जिले के गोटेगांव पहुंचे और ईश्वर व संतों का आशीर्वाद लिया। उद्योगपति अंबानी परिवार के साथ जगतगुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मुकेश अंबानी के साथ उनकी मां कोकिलाबेन, रमेश भाई ओझा तथा अंबानी परिवार के सदस्यगणों ने गोटेगांव में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की गादी का पूजन किया। 155 कन्याओं के विवाह के लिए सज गया बागेश्वर धाम। 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद। छतरपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित बागेश्वर धाम खूबसूरत लाइटिंग से झिलमिला उठा है। आयोजन स्थल पर देश विदेश के लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। बीते 8 दिनों से लगातार धाम पर सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं और संतों का समागम भी हो रहा है। अब इंतजार है 8 मार्च के दिन का, क्योंकि इस दिन बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का सबसे बड़ा विवाह महोत्सव होने जा रहा है। इस विवाह महोत्सव में देश के कई राज्यों से चुनी गई गरीब परिवारों की 155 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। बेटियों का उपहार में दी जाने वाली सामग्री धाम पर आनी शुरू हो गई है। इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से करीब 8 से 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। लोगों को आयोजन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं, साथ ही वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी बेहतर रखी गई है। कुंडेश्वर में गूंजने लगी शहनाई, तेल की रस्म हुई, आज सजेगा मंडप। टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर में शिव पार्वती विवाह महोत्सव शुरू हो गया है। बुधवार को रात भगवान भोलेनाथ को तेल चढ़ाया गया। आज शाम गुरुवार को भोलेनाथ को हल्दी चढ़ेगी और मंडप सजाया जाएगा। 8 मार्च को गाजे बाजे के साथ भगवान शंकर की बारात निकलेगी। इसके साथ ही शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में शिव विवाह महोत्सव की शुरुआत हुई। शिवधाम में पुत्र गणेश का पूजन कर महादेव के विवाह महोत्सव की शुरुआत हुई, जबकि महावीर रेसिडेंसी स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ को भक्तों ने हल्दी लगाई। इस अवसर पर हर हर महादेव के जयघोष लगाए गए, साथ ही विधि विधान से पूजन हुआ। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ता शिकायतों का अंबार। प्रदेश के 5.44 लाख लोगों को मदद का इंतजार। मध्य प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण एक फोन कॉल पर तत्परता से किए जाने की मंशा के साथ 10 वर्ष पूर्व जुलाई 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 55 जिलों के कुल 5,44,032 लोगों को लंबे समय से शिकायतों के निराकरण का इंतजार है। दरअसल ये वो शिकायतें हैं जो विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अब यहाँ वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी वजह से लंबित शिकायतों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंदौर में महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे प्रदेश भर के पहलवान। इंदौर में कुश्ती का पुराना इतिहास रहा है। शहर के पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा की शुरुआत की गई। हालांकि बीच के वर्षों में यह स्पर्धा विभिन्न कारणों से संभव नहीं हो सकी थी और पिछले वर्ष से यह सिलसिला दोबारा प्रारंभ हुआ था। स्थानीय छोटा नेहरू स्टेडियम में होने वाले दंगल में इस बार कई बदलाव नजर आएंगे। आम तौर पर इस कुश्ती स्टेडियम में मुकाबले लाल मिट्टी से तैयार विशेष एरिना में कराए जाते हैं। पिछले साल भी इसी एरिना में मुकाबले हुए थे, मगर इस बार सभी मुकाबले मैट पर कराए जाएंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मैट पर ही होती है। मध्य प्रदेश में गौशालाओं को मिलने वाली राशि में होगी वृद्धि, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गौमाता और गौवंश के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशि में वृद्धि की जाएगी। गौरक्षा संवाद निरंतरता होता रहेगा। इस विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि गायों और गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के उपाय किए जा सकें। प्रदेश में चरनोई की भूमि पर अतिक्रमण हटाने, प्रति 50 किलोमीटर पर सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हुई गायों को इलाज के लिए भिजवाने और सड़कों पर बैठने वाले पशुधन को बैठने से रोकने या अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जाएगी। रतलाम में राहुल का 11 मिनट का भाषण, 4 बार माइक खराब, बोले जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर रतलाम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फव्वारा चौक पर 11 मिनट तक खुली जीप से ही संबोधित किया। इस दौरान 4 बार माइक खराब होने पर राहुल गांधी को कहना पड़ा कि माइक खराब है, आप शांति से सुने। सागर जिले में ट्रक ने बस को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत, अनेक घायल। सागर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अनेक लोग घायल हो गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। खुरई के पास बस और ट्रक में सीधी टक्कर हुई, इसमें 3 लोगों की जान चली गई। बताया जाता है कि ट्रक ने इतनी जोर से बस को टक्कर मारी कि 2 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है। जबलपुर में ग्राहकों से किए वादों से मुकरे बिल्डर, कलेक्टर ने लगाया 11 लाख का जुर्माना। ग्राहक को अपार्टमेंट, ड्यूप्लेक्स समेत कई मकान बेचे, लेकिन यहां पर सुविधा और साधन देने के जो वादे किए उनसे बिल्डर मुकर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में सामने आया है। 44 महावीर कंपाउंड किंग्सवे सदर निवासी बिल्डर एसके दीक्षित मेसर्स दीक्षित एंड रिमोले एसोसिएट्स पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रेरा के तहत ग्राहक से किए वादे पूरे न करने पर जुर्माना वसूल किया है। बिल्डर पर 11,10,000 की राशि वसूल कर रेरा के खाते में जमा कराने गोरखपुर तहसीलदार भरत सोनी को निर्देश दिए हैं। होली पर रेलवे ने दी राहत, जबलपुर दानापुर जबलपुर के मध्य चलेगी स्पेशल। होली पर ट्रेनों में भीड़ से राहत देने के रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। जबलपुर और दानापुर के बीच स्पेशल 2 टिप ट्रेन को चलाया जाएगा। यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर से प्रस्थान कर सिहोरा रोड, कटनी, महर एवं सतना स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे। दिशाओं में सिहोरा रोड, कटनी, महर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी। काम की खबर, अभी भी जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अब मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पाएगा, पर ऐसा नहीं है। अब भी ऐसे पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जो किसी कारण से पुनरीक्षण अभियान के दौरान आवेदन नहीं कर सके थे। निर्वाचन आयोग ऐसे सभी मतदाताओं को नामांकन जमा होने की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक सूची में नाम जुड़वाने का अवसर देता है। आयोग ने यह सुविधा भी दी है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। अब ट्रेनों में टिकट चेक करेगा महिला टीटीई का दुर्गा वाहिनी दल। जबलपुर में ट्रेन में यात्रियों की टिकट जांच का जिम्मा अब तक पुरुष टीटीई के ही जिम्मे था। कोच में यात्रियों की भीड़ और टिकट सीट को लेकर उनकी नाराजगी भी इन्हें झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब ट्रेनों में इनके साथ महिला टीटीई का दल भी चलेगा। यह ट्रेन में औचक निरीक्षण कर यात्रियों की टिकट जांच करेगा और जरूरत पड़ते पर यात्रियों के दुर्व्यवहार को लेकर एक्शन भी लेगा। ट्रेन में महिला यात्रियों को यदि सुरक्षा या अन्य समस्या है तो वह उन्हें सुनकर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएगा भी। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का जबलपुर रेल मंडल ने इसकी शुरुआत करने जा रहा है। जबलपुर में शहर की 9 लोकेशन पर लगेंगे ANPR कैमरे। जबलपुर शहर के 9 और स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन ANPR सिस्टम वाले CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अभी वर्तमान में केवल पेंटिना का चौक ऐसा है जहां पुलिस का ANPR सिस्टम लगा हुआ है। 9 और स्थानों पर इनके लगने के बाद इनकी संख्या 10 हो जाएगी। हाल ही में कैमरा लगाने वाली कंपनी ने इसका सर्वे पूरा किया है।
ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक इन सभी नई 9 लोकेशनों पर कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और इनकी निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से होगी।